नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार त्रिपाठी आप सभी लोग का एग्जामपुर कलम से क्रांति में आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत हूं। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, सभी लोग बेटा जल्दी से क्लास में आ जाइए ताकि अपनी क्लास को हम शुरू कर सके। और क्लास को शुरू करने से भैया सभी लोग बेटा फटाफट से, जो लोग पहली बार हमारे एग्जामपुर के टीचिंग स्कूल चल रहे हैं उनसे विशेष रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो भैया आइए, मोहम्मद नजीम, संजना मौर्य, मनीषा यादव, सभी लोग को बेटा गुड मॉर्निंग चाय के साथ। बहुत बढ़िया, शाबाश, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए बेटा, फटाफट से, फटाफट से बेटा सभी लोग क्लास में आ जाइए, फटाफट से सभी लोग बेटा मेरे लाल, सभी लोग बेटा क्लास में आ जाइए। और अब अपनी क्लास को भैया हमको शुरू करना, जल्दी से बेटा, जितने लोग अभी तक नहीं आए हैं सभी लोग बेटा फटाफट से आ जाइए, जल्दी से। चलिए भाई, तो अब देर नहीं करते हैं, प्रश्नों की जो श्रृंखला है बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? आपको बताना है कौन थे पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति। आयुब खान, याया खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, इस्कंदर मिर्जा, बताइए। बताइए, खुश रहो मनोज कुमार जी, खुश रहिए, राधे राधे, सभी लोग को राधे राधे भैया। आ जाइए, प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है। निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? अयूब खान, याया खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, इस्कंदर मिर्जा, बताइए। सी, जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे, ऐसा कहा मोहम्मद नजीम ने कहा है। चलिए, मोहम्मद नजीम की बात हो चुकी भाई, आगे कौन आएगा? मनोज कुमार जी ने सी कहा, रोजी प्रवीण ने भी कहा भैया, सभी लोग कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, पवन सर ने सबकी गुड मॉर्निंग बेटा ले ली, सबकी गुड मॉर्निंग बेटा ले ली, अब आ जाओ जल्दी से। चलो अब भैया हमारी बारी, हमारी बारी, आप लोगों ने अपना ज्ञान दे दिया। चलिए, पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति बेटा इस्कंदर मिर्जा, बेटा कौन थे? इस्कंदर मिर्जा बेटा, ये 1956 से लेके 1958 तक, कौन बेटा? 1956 से लेके 1958 तक, लिख लीजिए बेटा, कौन से? 1956 से लेके 1958 तक। ठीक है, चलिए बिल्कुल फटाफट से सभी लोग, चलिए भैया जिन लोगों ने इस्कंदर मिर्जा दिया था उनका सही है, बाकी लोगों का बेटा गलत। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए कौन थी? दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए जल्दी से। बिल्कुल शहबाज शरीफ क्या है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं कि प्रधानमंत्री हैं, बताओ जल्दी से। बताइए भाई जल्दी से मुझे उत्तर दो, इस समय पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति कौन है पाकिस्तान के, बताओ जल्दी से, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है भाई? शहबाज शरीफ बेटा राष्ट्रपति नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं, आरिफ अलवी। चलिए बिल्कुल बेटा, कौन सी? श्रीमाओ भंडार नायक के बेटा, कहाँ की थी ये? कहा
श्रीलंका, कहा बच्चा? श्रीलंका की, ठीक है बेटा, कहा बेटा? श्रीलंका की। और कब बेटा? चलो बिल्कुल, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली छिन्नांकित महिला, मतलब पहली महिला कौन सी थी? बताओ जल्दी से, माउंट एवरेस्ट पर। और अभी तक बहुत से कंजूस लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है। चलो अब बताओ भैया, बी अरुणिमा सिन्हा। चलिए बिल्कुल ये बात सही है। और यहां पर बेटा कुछ बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको हम बताएंगे। आइए लिखिए बेटा, इसमें पहला नाम आता है आपका जो इंपॉर्टेंट है, प्रेम लता अग्रवाल। बेटा ये कौन है? ये बेटा सातों दीपों के सर्वोच्च शिखर पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला, प्रेम लता अग्रवाल, सातों दीपों के, पहले तो इनको करो अंडरलाइन, ठीक है, प्रेम लता अग्रवाल, प्रेम लता अग्रवाल, लिखो बेटा इसको, इंपॉर्टेंट है, सातों दीपों के सर्वोच्च शिखर पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला। चलिए अच्छा अब आते हैं पूर्णा मालवत। पूर्णा मालवत का बेटा बताओ, सबसे युवा बालिका जिसने माउंट एवरेस्ट, पूर्णा मालवत, जब हम पूर्णा मालवत की बात करते हैं तो लिख लो बेटा पूर्णा मालवत कौन है बेटा? सबसे पूर्णा मालवत, रुको ऐसे नहीं, पूर्णा मालवत सबसे युवा बालिका 13 वर्ष की, माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली पहली बात। अच्छा अंशु जमसेपा, अंशु जमसे बताओ, अंशु जमसेपा, आज तीनों इंपॉर्टेंट है, बताओ अंशु जमसेपा भैया 5 दिन में 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी हैं, 5 दिन में 2 बार, लिखो बेटा अंशु जमसेपा। पांच दिन में 5 दिन में 2 बार, ठीक है ये सारे इंपॉर्टेंट है, 5 दिन में 2 बार, ठीक है बेटा। देखो पहली बात, जय राम जी की, ठीक है, अरिमा सिन्हा विकलांग में आती हुई
दिव्यांग में पहली चुनने वाली 2013 में, कपड़ा चुनी थी 2013 में, 2013 में अनिवास सीमा चुनी थी 2013 में, 2013 में, 2013 में, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है प्रेमिता अग्रवाल, सातों दीपों के सर्वोच्च चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, पूर्णा मालवत सबसे युवा बालिका जिसने 13 वर्ष की उम्र में जो है माउंट एवरेस्ट पर ट्राई की थी। उसके बाद अंशु जमसेपा जो 5 दिन में 2 बार भैया उन्होंने चढ़ाई कर ली थी, ठीक है। हाँ समझ जाओ, देखो तुम लोग, हाँ निम्नलिखित में से किसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, किसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है बताओ। बताओ, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला, बेटा किसे कहते हैं? सरोजनी नायडू को, सरोजनी नायडू को, या बेटा क्या बोलते हैं, भारत कोकिला भी कहते हैं, भारत कोकिला। अब इनके नाम भैया दो तीन बातें हैं, भारत कोकिला, ठीक है। तो इनके नाम की बात करें तो बेटा आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक। और सरोजनी नायडू ने 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन की, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, देखो आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी भी तरह से कोई टेंशन नहीं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और जब इनकी बात करते हैं बेटा तो ये जो है कब 1925 में, कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, देखो कोई टेंशन नहीं, आराम से मोहब्बत के साथ चीजों को पढ़ेंगे तो हर चीज हमें याद रहेगी, हर चीज हमके दिमाग में घुसी रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, बिल्कुल हाँ भैया बढ़िया। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है बताओ, चरक, पतंजलि, हिप्पोक्रेटस या सुश्रुत बताओ। जल्दी से बताओ, शल्य चिकित्सा के जनक, जल्दी उत्तर दो। 1925 कानपुर, लेकिन सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ हमारे विद्यार्थी कंजूस की पराकाष्ठा को पार कर रहे हैं, बहुत मार खाएंगे हैं, पवन सर पढ़ा रहे हैं और ये जो है कंजूसी कर रहे हैं, बताइए। चरक की चरक संस्था, शल्य चिकित्सक, फादर ऑफ सर्जरी बेटा कौन थे, सुश्रुत, कौन थे बेटा, सुश्रुत है ना कि चरक, सुश्रुत, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल चरक सरक नहीं बेटा, सुश्रुत। चलिए भैया ये आ गई भैया बहुत ही सबसे ज्यादा खास और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आप सबके लिए, आप सबके लिए, एग्जामपुर फाउंडेशन जानते ना, 2 अक्टूबर एग्जामपुर को होने वाले हैं 4 साल, शानदार वो भी बेमिसाल। तो भैया मेरे आप लोगों के प्यार और सहयोग से ही हम लोग आज यहां तक पहुंचे और हम लोगों ने अपना जो है 4 साल पूरे किए, और इस 4 साल पूरे जब हो रहे हैं तो हम आप लोग को एक गिफ्ट दे रहे हैं। गिफ्ट क्या दे रहे हैं, गिफ्ट में भैया सबसे प्यारी चीज भैया क्या, आपको 75, सीधी बात है, आपका फायदा होना चाहिए। आपका फायदा कब होगा, जब आपका पैसा बचेगा, और जब आपका पैसा बचेगा कब, जब आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो भैया एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पर
हम आपको क्या दे बेटा 75% का डिस्काउंट, लेकिन कैसे, जब आप यूज करेंगे भैया कोड गिफ्ट 75, ध्यान रखिए कोड इंपॉर्टेंट है बाबू, गिफ्ट 75। अब यहीं पर ध्यान रखिए, जितने भी कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज पे, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट, यूपीपीएससीएल, कॉम्बो बैच, सभी बेटा क्या होगा, आपको 75% का डिस्काउंट। आईएएस बनना है, टीचर बनना है, एसएससी कोई एग्जाम्स क्वालिफाई करना है, सारे एग्जाम्स पर सीधा 75% डिस्काउंट। लेकिन शर्त क्या है, जब आप यूज करेंगे कोड गिफ्ट 75। और एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये 2 अक्टूबर को एग्जामपुर 4 साल पूरे कर रहा है, तो इसलिए 2 अक्टूबर रात 12 बजे तक ही बेटा ये जो है ऑफर और ये जो है गिफ्ट आपको मिलेगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बाकी अब बाकी बातें फटाफट से ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट बात है 75% डिस्काउंट सभी कोर्सेज पर, यूज करना है कोड गिफ्ट 75, एग्जामपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड करना ही है। चलिए आधार बैच, आज बैच है या फिर किताबों या किताब कलेक्शन है या कुछ भी हो, आपके लिए आ रहा है आज 1 अक्टूबर को शाम को 7 बजे, ये बेटा आज आएगा शाम को 7 बजे। चलिए इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री का भी, बिल्कुल बेटा ये सारे के सारे ऑफर्स आप लोग के लिए हैं, आप लोग उस ऑफर्स को जरूर लीजिए, और हम तो कोशिश कहेंगे कि अपने भी लीजिए, पड़ोसी को भी दिलवाइए, भाई एग्जामपुर से आप लोग पढ़ रहे हैं तो अपने भी लीजिए और पड़ोसी को भी दिलवाइए, बिल्कुल। चलो बिल्कुल भैया, कौन, आरती साहा, बिल्कुल इंग्लिश चैनल, बिल्कुल आरती साहा इंग्लिश चैनल, ठीक है। भारत और एशिया की पहली, ठीक है बेटा, इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया कब बेटा, 1960 में, कब बेटा 1960 में, कब बेटा कहता उन्होंने 1960 में। मैं फिर कहूंगा सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों से, सबसे बेटा कहूंगा जल्दी से आइए बेटा, और बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो भैया गिफ्ट 75 भूलना नहीं भैया, गिफ्ट 75 हाँ इंपॉर्टेंट है बाबू, भूलने का नहीं। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था, चलो। और बहुत से लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय, इंग्लिश चैनल, अरे चलो नहीं मालूम, चलो मिहिर सेन, कौन बेटा मिहिर सेन, और एशिया के पहले तैराक, ठीक है पुरुषों में मिहिर सेन। चलिए अगला, आज क्वेश्चंस बढ़िया वाले हैं भैया। माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, माउंट मकालू, सेशन को शेयर नहीं करोगे, अब फैजुआ का तुक्का लगाओ चाहे कुछ लगाओ, फैजुआ उत्तर दिया है बिल्कुल सही, माउंट मकालू,
बिल्कुल ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप जो है उत्तर दे सकते हैं, लेकिन इतना आपको बुद्धि होना चाहिए। माउंट मकालू विश्व का पांचवा सबसे ऊंचा पर्वत है, धरना लिख लो, माउंट मकालू विश्व का पांचवा, बताओ इसकी ऊंचाई कितनी है, सबसे ऊंचा पर्वत बताओ ऊंचाई कितनी इसकी। अच्छा मैं जितना लिखाता हूं तुम में से उतने लिखते हो नहीं लिखते हो, ये खाली हम ही लिखते रहते हैं, बताओ ऊंचाई। बोले सर आप ही लिखो, आप ही लिखो, हम कहाँ लिखें, हमें लिखने में दिक्कत नहीं होगी। ऊंचाई कितनी होता है इसकी, 8481 मीटर है भैया। हाँ भैया बताओ, भैया बताओ, चलो प्रियंका मोहिते, यहाँ आधे तुम्हारे बच्चे जो है बेचारे, आधे तो बहुत मन से उत्तर देते हैं, आधे बेचारे दब के उत्तर देंगे, वो कहेंगे अरे चलो भैया बड़ी मुश्किल से उत्तर देना है। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी, लिखते हैं हम तो, जो लिखते हैं अच्छी बात है, जो नहीं लिखते भैया वो कृपया लिखना शुरू करें भैया, यही सब आपके एग्जाम्स में आता है। हाँ मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी, चलो बेटा कब, 1990 में, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट की अवधारणा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने दी थी, और भारत ने इसका समर्थन, जो भारत के शास्त्री थे अमर्त सेन, उन्होंने इसका समर्थन 1990 में किया था। चलिए बिल्कुल 1990 में, ठीक है, महबूब उल हक ने की थी। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देने वाले बॉलीवुड के प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए, टाइम मैगजीन पर, जल्दी से, आज सब कहाँ है, कहीं भी है भैया, अभी आज सब मजा काट रहे हैं। पहचान कहीं भी बेटा, आप लोग पढ़िए, ये हम हमारी तरह बिल्कुल जाइए, बच्चा आए ना आए हमें अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आने हैं भाई, जिसको पढ़ना होता है पढ़ेगा। अखिलेश यादव जी आ गए, बच्चन साहब, चलो प्यारे बच्चे, टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देने वाले बॉलीवुड के प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए, टेंथ का सी, अमिताभ बच्चन, सभी लोगों ने कहा बेटा अमिताभ बच्चन, तो मुझे कहते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि किसी ने भी उत्तर सही नहीं दिया, जो सही उत्तर है वो है बेटा परवीन बॉबी, परवीन बॉबी को बेटा 1976 में टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर, कब बेटा 1976 में, 1976 में, ठीक है 1976 में टाइम मैगजीन के, ठीक है। जय माता दी, रोशनी न्याल जी आइए बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश, सेशन को शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन थे, अब भैया गणना करने वाले पहले व्यक्ति, क्वेश्चन,
प्रश्न का लेवल देख रहे हो, कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए हुए तुम लोग के लिए। गणना बताओ किसने की थी। अब भैया बाद में पहले इससे तो नहीं मालूम पड़ेगा। चलिए अंधेरा कितनी देर से था। चलो भैया सेशन को शेयर कर दो, हम कहेंगे नहीं तो कोई सेशन को शेयर ही नहीं करेगा। बताओ बेटा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना अब तक तुम लोग क्या पढ़ते थे, ऊपर कौन चढ़ा, पहला कौन था, दूसरा कौन था, हाल ही में कौन चढ़ा, बाली में कौन चढ़ा, ऐसा कुछ नहीं। आज क्या है, अब भैया उत्तर देना है ऊंचाई की गणना। हाँ ऐसा ऐसा प्रश्न आता है। चलो आइए राधानाथ सिकदार, बेटा कौन थे, राधानाथ सिकदार भारतीय थे जिन्होंने बेटा माउंट एवरेस्ट के ऊंचाई की गणना की थी। राधानाथ सिकदार, राधानाथ सिकदार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहे ना भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट का नाम क्या है, भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट का नाम क्या है, बताई बोल लल्ला हमार, बताई हो राजा जी, बताई हो राजा जी, जल्दी से उत्तर व दे राजा जी। दीपिका पूनम, अल्पना शिवांगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर ममता राठौर ने पहले सिकदर बोला और फिर उसके बाद शिवांगी। बिल्कुल चलिए। हाँ तो भैया कुछ लोग शिवांगी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं, लड़ाई हो रही है शिवांगी में और दीपिका में, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा बाबा, कौन जीतेगा राजू, ए राजू कौन जीतेगा भैया बताओ तो। शिवांगी बिल्कुल भैया बिल्कुल, शिवांगी सिंह जी, शिवांगी सिंह जी बेटा बिल्कुल, शिवांगी सिंह बहुत बेहतरीन। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा स्पेस ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय स्टार्टअप कंपनी कौन सी है। अब बताइए आज के क्वेश्चंस का लेवल जो लोग नोट नहीं करेंगे उनको भैया दिक्कत हो जाएगी, हम भैया कराएंगे। बताइए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा दिया जाने वाला स्पेस ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय स्टार्टअप कंपनी कौन सी थी। ए बिल्कुल ब्लू स्काई एनालिटिक्स। बेटा इन्होंने क्या काम किया था, बेटा इन्होंने जूरी नामक एक बेटा ऐप डेवलप्ड किया था, जूरी नामक ऐप विकसित किया और इनको बेटा जो विकसित किया और इनको बेटा जो अवार्ड मिला था यह बेटा सामाजिक उद्यमिता की श्रेणी में, सामाजिक उद्यमिता की श्रेणी में। सामाजिक उद्यमिता की श्रेणी में बेटा इनको यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, ब्लू स्काई बिल्कुल। चलिए आगे पूछेंगे है का ये बेटा, इसके तहत जैसे कि ना जो हमारे भारत खेतों में जो आग लगती है, पराली से आग लगती है, तो उनके लोकेशन बताने के लिए ये जूई नामक ऐप था, ठीक है। चलिए अखिलेश यादव जी, 2012 के ग्रीष्म ओलंपिक खेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताओ कौन सा कथन सही है। सेशन को शेयर करो, बहुत से लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग।
12 के एथेंस ने की थी मेजबानी, एथेंस ने की थी मेजबानी, लंदन ने की थी, बीजिंग ने की थी, पेरिस ने की थी। बताना है 2012 का ओलंपिक्स कहाँ हुआ था, 2012 का ओलंपिक्स कहाँ हुआ था, 2012 का ओलंपिक्स कहाँ हुआ था। सेशन को शेयर करोगे तभी जो है इसका आंसर हमको मिल पाएगा। जितना आप सेशन को शेयर करेंगे उतना जल्दी हम हमारे बुद्धि में आंसर आ जाएगा। हाँ भाई जल्दी से, तो बिल्कुल बेटा कहाँ पे, बिल्कुल बी वाला जो सही था, लंदन वाला सही है, बाकी सब गलत है। चलिए, रियो ओलंपिक्स में भाग लेने वाले वह कौन से टेनिस खिलाड़ी जो 7 बार ओलंपिक में भाग चुके हैं, बताइए जल्दी से। कंफ्यूज है ममता जी, कोई दिक्कत नहीं। सेशन को शेयर करिए भैया, सेशन को शेयर करो लल्ला मेरे। रियो ओलंपिक्स में भाग लेने वाले वह कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं जो 7 बार ओलंपिक्स में भाग ले चुके हैं। मार्टिना नेवरा तिलोवा, सरेना विलियम्स, लिएंडर पेस और रोजर फेडरर। चलिए बेटा कौन, लिएंडर पेस 2016 में 7वीं बार, आप जानते हैं इनके बारे में लिएंडर पेस। बेटा फिर कहूंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये ऑफर आया था तो अभी कुछ दिन पहले एक ऑफर गया था तो बहुत से बच्चे जो है परेशान हो गए थे, सर अब हम ऑफर कैसे लें। तो भैया फिर से कह रहा हूं, 4 साल बेमिसाल एग्जामपुर आपके लिए अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए सबसे बेहतरीन। क्या बेटा, हर कोर्सेस पर 75% का ऑफ बेटा, हर कोर्सेस का मिला आपको 75% का ऑफ। इसके लिए सिर्फ करना क्या है आपको, बस भैया यूज करना है गिफ्ट 75। ये बच्चा गिफ्ट 75, बस ये याद रखो गिफ्ट 75 आपको कोड यूज करना है और एग्जामपुर के सभी कोर्सेस में बेटा आपको मिलेगा क्या 75% का ऑफ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2 अक्टूबर रात 12 बजे तक, बस 2 अक्टूबर रात 12 बजे तक ये ऑफर एप्लीकेबल है, उसके बाद खत्म फिनिश। तो भैया 2 अक्टूबर जल्दी ना बीत जाए, 2 अक्टूबर से पहले पहले इस ऑफर को ले लिया जाए, उसके लिए एग्जामपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड किया जाए और एप्लीकेशन डाउनलोड करके मेरे प्यारे लाल क्या किया जाए, फटाफट जाया जाए, गिफ्ट 75 कोड यूज किया जाए और क्या भैया, हर कोर्सेस पे 75 का डिस्काउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शहर राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी करेगा। भाई देखिए सभी लोग जाइए और जल्दी जल्दी फटाफट से कोर्स को परचेस करिए, सभी लोग अपने भैया को भाभी को सबको बताओ एग्जाम्पल लाया बेहतरीन ऑफर आप सभी के लिए, जल्दी से। बिल्कुल 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 बेटा, कहां पे, बर्मिंघम में। अच्छा बेटा बर्मिंघम में किया जाएगा, ये कौन से नंबर का, 22वें नंबर का बेटा, कौन से नंबर का, 22वें राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल। अब भैया तो फिर 21वां पूछ लेगा, 21वां कहां हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में, लिख लो 21वां कहां हुआ था बेटा, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में, 21वां आ जाएगा बाबू। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट, समझे। चलो भैया सेशन को शेयर ना करिए तुम। लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे हैं, लिएंडर पेस बताइए।
बता भैया। बिल्कुल बेटा, कहाँ के? हॉकी टीम के। ये थे हॉकी के, पेस साहब किसके? टेबल टेनिस के। चलिए, प्रतिवर्ष सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ पे आयोजित किया जाता है? प्रतिवर्ष सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जर्मनी, भारत, दक्षिण कोरिया और मलेशिया। उत्तर दो। बताओ। बलमा ब्रो, ई कौन भैया? ई कौन है? मलेशिया। बताओ पहले तो, सुल्तान अजलान शाह कप का बेटा आयोजन कब हुआ था? कब हुआ था? शुरुआत था, शुरुआत शुरुआत '83 में। ठीक, और बेटा बिल्कुल सही बोला फैजान ने, मलेशिया में। कहाँ बेटा? मलेशिया में। बिल्कुल ठीक। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट, भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट। भैया उत्तर दो जल्दी से, बहुत से विद्यार्थी उत्तर नहीं दे रहे हैं, डर जा रहे हैं वो, क्या करें बताओ बेटा। कौन सा? बेटन कप। बेटन कप बेटा कब? 1895 से। सबसे पुराना, ठीक है। और मुरुगप्पा गोल्ड कप 1901 में था, मुरुगप्पा गोल्ड कप 1901 से, 1901 में। बाकी तो कोई खास नहीं, 1931। चलो जल्दी से, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप तो यार 19 क्या गया था बताओ? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप बताओ। ये तो उत्तर दे देना यार, ये उत्तर देना भाई, इसमें नाक मत कटवाना भाई मेरे, इसमें नाक मत कटवाना मेरी। ये वाला उत्तर, तुम लोग बहुत बड़े प्लेयर हो, इसका उत्तर दे सकते हो। अखिलेश यादव, ममता जी राइट। प्यारे बच्चे, ममता जी की बात नहीं, अपने क्वेश्चंस को भी ध्यान दो। ममता जी बहुत जगह अपना आंसर सी देती है, ममता जी पढ़ रही हैं, आप दो। फैजान बताओ, बताओ बेटा। बिल्कुल, इंग्लैंड और वेल्स, अभी तक किसी ने आंसर दिया नहीं। और बेटा इसके विजेता कौन थे? विजेता, विजेता कौन है भैया इसके? विजेता, विजेता कौन थे? इंग्लैंड। इंग्लैंड ने हराया था न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में, याद है ना? इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया था। ठीक है, और 2023 का क्रिकेट विश्व कप कहां होगा? तो भारत में। ठीक है, चलो इंग्लैंड और वेसेल्स। चलो, सर्वाधिक टेस्ट शतक बनाने का श्रेय किसको जाता है? सर्वाधिक टेस्ट शतक बनाने का श्रेय किसको जाता है बताओ? सेशन को शेयर नहीं करेंगे हमारे लड्डू गोपाल, क्या कह रहे हैं बताओ? बहुत से विद्यार्थी था, सर्वाधिक टेस्ट शतक। बताओ, चलो बिल्कुल भैया, कौन? सचिन तेंदुलकर।
कहा जाए तो उन्होंने भैया टेस्ट में 51, एक दिवसीय में 49, टोटल करेंगे तो हो गया 100। ठीक है, तो भैया बी अपने सचिन भाई हो गया सही। चलिए, निम्नलिखित में से किसने टेस्ट मैचों में 2 तिरछक बनाए हैं? बताओ ये, बताओ 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 तब तक। बिल्कुल, ब्रायन लारा फर्स्ट टाइम 375 1994 में और सेकंड 400 2004 में। बताओ, ब्रायन लारा जी थे, बहुत मारते थे। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय, 13 शतक कौन बताओ। ओके चलो, कोई दिक्कत नहीं भैया, 13 शतक कौन मार दिया बताओ। अरे यही थे बेटा, 403 पहली बार, नहीं बेटा दो बार मारा इन्होंने, दो बार। साउथ अफ्रीका बल्लेबाज थे, बहुत बहुत बेहतरीन बल्लेबाज थे। राहुल जी आ गए, देखिए बताइए बेटा कौन। हमारे वीरेंद्र सहवाग, वीरू भाई, वीरू भाई। चलिए, इनमें से किस क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय T20 में सर्वाधिक रन बनाए हैं? अंतरराष्ट्रीय T20 में सर्वाधिक रन बताइए किसने, T20 में। सहवाग पाकिस्तान के खिलाफ, नहीं बेटा पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बेटा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। चलिए, विराट कोहली, ठीक है चलिए भैया। T20 में T20 में भारतीय पुरुष, जल्दी से अभी अंतिम प्रश्न भैया, आज का अंतिम प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न, जल्दी से। चलिए बेटा कौन, रोहित शर्मा। चलो अब भैया यहीं पे अब बात को समाप्त करते हैं, क्योंकि अगली क्लास आप लोग की होने वाली है, तो भैया फटाफट खत्म। चलिए अब भैया जाते रहते, सभी लोग बेटा सुन लीजिए, एग्जामपुर के फाउंडेशन एग्जामपुर की स्थापना दिवस पे आप सभी लोग को मिल रहा है बेटा 75% का डिस्काउंट। आपको यूज करना है कोड गिफ्ट 75 और आपके सभी कोर्सेज पे आपको बेटा 75% डिस्काउंट मिल जाएगा। तब तक बाकी बातें नेक्स्ट क्लास होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।